समाज के हमारे उपस्थित मेरे सभी साथीगण नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि मेरे परिवार के सदस्य गण। राजू जी ने अपने प्रवचन हमारे समाज का इतिहास, हमारे समाज की योगदान, और हमारे समाज की गौरव की गाथा दोबारा हम सब के अंदर जागरूक कर दी। माझी बातम धीमर केवट कश्यप निषाद, ये समाज इस भारत का एक साधारण समाज है। इस समाज की गाथा, इस समाज का महत्व, इस समाज का योगदान इस भारत के 5000 साल पुराने इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। हमारा समाज एक बहुत कोमल स्वभाव का समाज है, और मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि केवट और माझी समाज के साथ मेरा एक लंबा इतिहास मध्य प्रदेश में रहा, और 1.5 साल के लिए मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी, महासचिव भी रहा जब मैं उस पार्टी में, और वहां कश्यप निषाद धीमर समाज के साथ एक व्यक्तिगत संबंध। पुराने जमाने से जिस इतिहास का संदर्भ राजू जी ने दोबारा स्थापित हुआ मेरे मन में, ये समाज में सदैव कोमलता के आधार पर अपना जीवन व्यापन किया। कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना आज क्या 5000 साल के इतिहास में कभी भी समाज में कभी नहीं। और मैं मानता हूं कि भारत एक अद्भुत देश है। आर्थिक रूप से हम आज बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम परिवर्तित हो चुके हैं। आने वाले 2030 तक हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ के विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग उभरने वाले। अभी प्रधानमंत्री G7 के लिए जापान गए, और एक ऐसा भी समय होता था जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की कोई मान्यता नहीं रखी जाती, लेकिन आज स्थिति देखो, जब प्रधानमंत्री जापान जाते हैं G7 या G20 के बैठक के लिए, तब विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका का राष्ट्रपति आता है हमारे प्रधानमंत्री के गले लगने के। तो
ये परिवर्तन आया है और उस अमूल चूल परिवर्तन में यह अतिशयोक्ति नहीं होती अगर मैं कहूं कि हमारे माजी केवट निषाद भीमर कश्यप समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रीमंत महाराष्ट्र पुराने जमाने में जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या से निकले और उस समय जब गंगा पार करना पड़ा था तब अगर किसी ने साथ दिया तो उस समय की तत्कालीन शासक महाराज गुहा जिन्हें हमें आज भगवान निषाद राज के रूप में हम लोग अब नतमस्तक होते हैं, उन्होंने अपने नाव में भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा पार किया। तो हमारा केवट समाज सारथी है भगवान राम का, हमारा निषाद समाज सारथी है माता जी सीता जी का और लक्ष्मण जी का, और इतिहास क्या ये पृथ्वी कभी ना भूल पाए कि केवट भीमर माझी निषाद कश्यप समाज का योगदान इस विश्व के इतिहास में जो रामायण में लिखा है। हमारी कहानी वहां अंत नहीं हुई, '1857 की क्रांति की जो हम बात करते, उस 1857 की क्रांति के 80 वर्ष पूर्व उस जमाने में हमारे वीर तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम छेड़ा था और इतना परेशान किया अंग्रेजी हुकूमत को 14 साल और अंत में अपने जीवन का बलिदान 1785 में भी तिलका मांझी ने किया। तो हमारे समाज के ऐसे कई हमारे नवरत्न हैं जो भारत माता की पृथ्वी के आभूषण में सम्मिलित, और आज ऐसे सभी को मैं अपने दिल के गहराइयों से नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। हमारा माझी समाज एक मेहनती समाज है, हमें एक चीज ही आता है, हमें छल कपट नहीं आती। कैसे मीठे बोलो और पीछे से छुरा भोको ये आदत हमें नहीं आती, और ना हम लोग इसे सीखने के लिए इच्छुक। हमारी मासूमियत है, हमारी स्पष्ट वाली सोच, और जैसे राजू जी ने मेरे बारे में अनुभव बताया, मैं राजू जी के अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले 3-3.5 साल से उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं कार्य कर रहा हूं। सिंधिया, सिंधिया, राजू
वही गुण मुझे राजू जी में देखते हैं। हमारा और इनका, अब मैं नहीं जानता कि इनके दिल में मेरे प्रति क्या भाव है, पर मैं बता देता हूं कि मेरे दिल में इनके प्रति क्या भाव है। ये राजनीति बड़ी गंदी खेल होती है मेरे भाइयों। आप बाहर से देख रहे हो, हम लोग अंदर से। यहां मासूम इंसानों को जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। यहां मूल्य सिद्धांत वाले लोगों को जिंदा रहना बड़ा मुश्किल। पर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, गर्व छोड़ दो, मुझे बड़ी खुशी है कि इस राजनीति के रास्ते पर नहीं। मेरे पूज्य पिताजी सदैव कहते थे कि जिंदगी में हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए जनसेवा, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य को। सफर पर, जिस सफर पर मेरे पूर्वज रहे, प्रजातंत्र के पहले सिंधिया परिवार का एक ही लक्ष्य रहा है, वो है विकास और प्रगति, सभी की खुशी। उसी की सेवा में हम अपनी जिंदगी पूरा लगा लें तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ। और उस सफर में मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे एक साथी राजू के रूप में, ये भावनात्मक बात मैं आपको कह रहा हूं, स्पष्टवादी इंसान पहले थोड़े संकोच करते थे, बड़े नेता आ गए हैं मैं बोलूं या ना बोलूं, पर आप जान गए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नेता नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका परिवार का है। स्पष्टवादी इंसान जो दिल में है वो बोल दे, और एक बार जो समाज ने, बाकी समाज ने ठान लिया कि हम करके दिखाएंगे, तो वही पवित्रता मुझे राजू पाथम जी ने भी दी। और मेरे माजी समाज के नवरत्न मेरे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में पीछे हुए हैं। अभी ग्वालियर की बात की राजू पाथम, अपार हमारे परिवार के सदस्य वहां गुजर गए। मैं चाहता हूं कि मेरा ग्वालियर चंबल संभाग एक गुलदस्ता बने, और एक ऐसा गुलदस्ता बने जिसमें हर समाज का फूल की महक उस गुलदस्ता में लगे। पिछड़े वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, मैं उन कोहिनूरों के तलाश में हूं, उन कोहिनूरों के तलाश में हूं जो स्वयं की सेवा नहीं लेकिन जनता की सेवा अपने दिमाग में चले रहा है। और आपके समाज ने तो देश को इतने कोहिनूर दिए, हमारे क्षेत्र के पार्षद जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ग्वालियर में हमारे पार्षद, आपके समाज, रन्नौद में हमारे केवट समाज की आबादी बहुत बड़ी तादाद में,
गुना में शिवपुरी जिले के एक एक विधानसभा में, दतिया में, मुरैना में, और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि राजू की तरह आपके समाज के कर्मठ लोगों को आप आगे करो और उनके साथ कंधे से कंधे काम में लगकर आपकी सेवा के लिए तत्पर हम लोग लगेंगे, ये विश्वास में दिलाता हूं। श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया। और ये कार्यक्रम का लक्ष्य भी यही है, मैं बता दूं, हमारी और राजू जी की चर्चा हुई, हरबीर सिंह जी की चर्चा हुई, यशवंत जी के साथ चर्चा हुई, सुरेश जी के साथ चर्चा हुई, बीडी शर्मा जी के साथ चर्चा हुई, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? इस कार्यक्रम का लक्ष्य राजनीति नहीं है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि आपके समाज के लोगों को हमें आगे लाना होगा, जो आपकी जिम्मेदारी है, आप उन समाज के लोगों को आगे लाओ, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी। अब इसके दो तरीके, राजू जी मंच पर बैठे हुए, सामान्य तौर पर नेता को कहा जाता है कि आप समाज के लोगों को आगे करो, पर यह जिम्मेदारी मैं समाज को देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग समाज के गुट में जब बैठोगे और जिन लोगों में क्षमता है, जैसे आज सीताराम जी हमारे मंच पे बैठे हो, राजू जी हमारे मंच पे बैठे हो, कप्तान सिंह जी हमारे मंच पे बैठे हो, हमारे इंजीनियर साहब ने जो स्पष्टता से बात क्या रखी और वो झलक मासूमियत से इन सभी वक्ताओं में मैंने देखा, एक पुकार है कि विकास और प्रगति के पथ पर हमें भी हमारा हक हमें मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए। मैं भी ये मानता हूं कि जो पुराना इतिहास हमारे समाज का है, मछली पालन या नदियों का संरक्षण का हक किसी पर होना चाहिए, तो पहले हमारे समाज के लोगों के ऊपर होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में मंचासीन आपके समाज के नेताओं के साथ बैठकर, आप लोगों के साथ बैठकर, अपने समाज के लोगों को दो या तीन लोग जो समाज में पैर रखते हैं, उनको आप हमारे समक्ष लेके आइए, उनको आगे बढ़ाने का काम की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये विश्वास तक समाज के आरक्षण का मामला है, विस्तृत तरीके से इंजीनियर साहब ने और खास करके राजू जी ने पूरा इतिहास समझाया, कैसे कांग्रेस ने आपके साथ छल कपट की, छल कपट के माहिर है, पंद्रह साल के वनवास के बाद जब सरकार में दोबारा आए, पंद्रह साल हो गए थे, उसके बाद भी पंद्रह महीने में केवल वही छल कपट किया। आज मुझे गर्व है कि जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं देश में, जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह जी कर रहे हैं प्रदेश में, दोनों की एक ही सोच और विचारधारा है और वो है गरीबों का उत्थान, जन जन मानस की प्रगति और उत्थान, महिलाओं और नौजवानों का उत्थान। पिछले तीन साल में जो प्रगति और विकास मध्य प्रदेश में हुई है योजनाओं के आधार पर, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, एक एक वासी के लिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन जाती। तो
आज आप लोगों को मैं आह्वान करने आया कि आने वाले समय में हमारे समाज को हमें आगे ले जाना होगा, अच्छे नेतृत्व को आपको आगे करना होगा और उसके बाद मंचासीन महानुभावों के साथ मिलकर आपका ये परिवार का सदस्य आपके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। और भगवान हमारे निषाद राज जी को झुककर नतमस्तक होकर उनके चरणों में प्रणाम। जय हिंद, जय।